हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक नया बयान जारी किया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पे शिक्षकों की कमी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं तथा शिक्षा मित्रों के बारे में खुशखबरी देने के लिए भी यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पर पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर इसका सार मैं आपको बताता हूँ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जल्द ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति लाएगी। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ अच्छा करने का सरकार मन बना रही। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समायोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग नीचे तो देख ही सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, एक तो इन्होंने कहा है कि जो समायोजन वाली प्रक्रिया, अंतरजनपदीय जो स्थानांतरण है और समायोजन की प्रक्रिया, इसमें देखिए वही बात है जो रटायर चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं। पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनकी बातें और इनकी लगभग एक ही जैसी जा रही है। ठीक है, कि मतलब शिक्षक सरप्लस है, सरप्लस का मतलब कहीं की इनके अनुसार, हालांकि शिक्षकों के बहुत से रिक्त पद हैं, पीएबी की रिपोर्ट भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन इन लोगों की वही बात अभी भी चल रही है कि कुछ ऐसे विद्यालय है प्रदेश में जिनमें अधिक शिक्षक है, किसी में कम है शिक्षक। ठीक है, तो ऐसी एक प्रक्रिया करेंगे, ऐसा समायोजन करेंगे कि जहां ज्यादा शिक्षक है वहां से उठा के कम, जहां पे जिन विद्यालयों में कम शिक्षक है वहां पर उनको समायोजित कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने अभी भर्ती के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ी सी लग रही है। इन्होंने जो कहा है कि शिक्षा मित्रों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ अच्छा करने का सरकार मन बना रही है। ठीक, यहाँ पर नीचे भी लिखा, उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ अच्छा करने की सरकार सोच रही है, लास्ट में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छा करने की जो बात कह रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा अब एक ही चीज हो सकता है, क्योंकि देखिए वेतन गवर्नमेंट बढ़ाई चुकी है, अभी जस्ट बढ़ाई है, तो वेतन तो अब बढ़ाएगी नहीं। ठीक है, वेतन तो बढ़ाई चुकी है। ठीक, तो अब अच्छा करने का बस एक ही ऑप्शन है कि जो उन्होंने, जो सरकार ने जो हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम तीसरा मौका देंगे, ठीक है, तीसरा मौका इनको देंगे और उनको भारांक भी देंगे, एक मौका और देंगे जिसमें इनको भारांक देंगे। तो बस एक यही चीज अब बची है जिसके माध्यम से ये कुछ शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने का यहाँ पे सोच सकती है। ठीक है, क्योंकि अब इनको वो तो दे ही चुके हैं, वेतन तो बढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा मौका ये दे सकते हैं। और अगर कहा जाए कि ऐसा नहीं है, तो एक चीज़ आप समझिए कि जैसे 68,500 और जो 69,000 भर्ती है, दोनों 137,000 जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उन्हीं के सापेक्ष यहाँ पर दी गई थी हाईकोर्ट के अनुसार कि पदों को यहाँ पे भरने के लिए। ठीक है, तो उसमें से भी अभी लगभग 23,000 भर्ती यहाँ पे खाली है, अभी उसमें से 23,000 पद अभी रिक्त है उसी में से। ठीक, और जो अभी तक एक आप लोग पता है कि 6800 का मामला लगातार चल रहा है, कि 6800 का जो लिस्ट है उसका भी मामला चल रहा है कि जो इन्होंने माना था कि आरक्षण में कमी हुई थी। ठीक है, तो वो अभी अटका हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पे रुके हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाए, 6800 का मामला यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद पूरी पूरी उम्मीद है कि ये भर्ती देंगे शिक्षा मित्रों को, जो तीसरा मौका इन्होंने देने की बात की है उसी के आधार पे कि शिक्षा मित्रों को तीसरा मौका दिया जाएगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितने पदों पे देंगे, क्योंकि 23,000 तो उसी में रिक्त पद है, तो उतने तो देंगे ही, 23,000 के आसपास तो लगभग देंगे ही। अगर इनका मन होगा तो 10,000-12,000 बढ़ा के 30,000-35,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही एक उम्मीद लगाई जा रही है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो अच्छा सोच रही है वो यही हो सकता है कि उनको तीसरा मौका दिया जाए और इसी के बहाने एक वैकेंसी भी देखने को मिले। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।